अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने एक अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री ग्लोबल होटलिंग पर कार्यवाही की है, जहां देशी शराब बनाने के लाइसेंस की आड़ में दो नंबर में अंग्रेजी शराब बनाकर बेचने का मामला उजागर हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अरबों रुपए की राजस्व आय का नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आबकारी और एक्साइज विभाग पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने आज कंपनी के डायरेक्टर सुरेंद्र सोलंकी को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। संभवतः राजस्थान में शराब के कारोबार में इतनी बड़ी कर चोरी का खुलासा पहली बार हुआ है, जहां देशी शराब बनाने की आड़ में धड़ल्ले से अंग्रेजी शराब बनाकर बेची जा रही थी। भिवाड़ी पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही में वहां ट्रकों में भरी अंग्रेजी शराब को भी जब्त किया गया। ट्रक में शराब की पेटियों के ऊपर शराब को छुपाते हुए अन्य सामान भरा हुआ था। एसपी राम मूर्ति जोशी ने खुद जाब्ते के साथ वहां कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां पर बड़े खुलासे हुए। ग्लोबल बोटलिंग नाम से संचालित इस फैक्ट्री में अवैध रूप से बनाई गई अंग्रेजी शराब गुजरात बिहार सहित अन्य राज्यों में भेजी जाती रही है। फैक्ट्री मालिकों के काफी ऊंचे रसूख हाथ बताए जाते हैं। पिछले कई सालों से चल रही इस फैक्ट्री में किसी अधिकारी के पैर रखने तक की आज तक हिम्मत नहीं हुई। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि गुजरात में पिछले दिनों एक शराब के ट्रक को पकड़ा गया था, जिसमें कागजात इसी कंपनी के थे और सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा टीपी भी जारी कर दी गई थी। यह माल मदारी इंडस्ट्री उदयपुर में भेजना दिखाया गया था। इसकी जांच में गुजरात से उप निरीक्षक IH हिंगोरा भी भिवाड़ी पहुंचे हुए थे। दरअसल यह फैक्ट्री दिल्ली जनकपुरी निवासी पुनीत सोलंकी और सुरेंद्र सोलंकी के नाम से बताई जा रही है। देशी शराब की आड़ में चल रहा यह अंग्रेजी शराब बनाने का अवैध धंधा सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान लगा चुका है। इसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल शराब निर्माण फैक्ट्री में आबकारी एसआई विभाग के एक सहायक उप निरीक्षक की ड्यूटी होती है। वह सुबह फैक्ट्री के तालों को खुलवाता है और बंद होने पर प्रोडक्शन कितना हुआ उसको नोट करना होता है। और फैक्ट्री में दो ताले लगाए जाते हैं, एक चाबी आबकारी अधिकारी व एक चाबी फैक्ट्री प्रबंधन के पास होती है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पिछले कई सालों से चल रही इस फैक्ट्री में कैसे देशी शराब की आड़ में अंग्रेजी शराब बनाई जा रही थी। एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि भिवाड़ी में आबकारी थाने के अधीन एक शराब की फैक्ट्री में भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने दबिश दी, जिसमें भिवाड़ी पुलिस ने करीब 1077 अंग्रेजी विदेशी शराब पेटियां जब्त करते हुए शराब कंपनी को सीज कर दिया है। रविवार दोपहर से शुरू की गई कार्यवाही रविवार देर रात तक चलती रही। एसपी राममूर्ति जोशी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गुजरात पुलिस ने भिवाड़ी से गए एक शराब के ट्रक को पकड़ा था, उसी की निशानदेही पर गुजरात पुलिस भिवाड़ी पहुंची थी। जब भिवाड़ी पुलिस के साथ जाकर कंपनी में शराब का जखीरा देखा तो हैरान रह गए। पुलिस ने शराब के गोरख धंधे में शामिल कंपनी के सुपरवाइजर और आबकारी अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले सहित 5 लोगों को कार्यवाही के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कंपनी में अवैध शराब खरीदने वाले 3 लोगों से करीब 4,50,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से एक डायरेक्टर सुरेंद्र सोलंकी को भी आज गिरफ्तार कर लिया है। उसके आधार पर पुलिस ने एक ऑर्गेनाइज्ड कार्रवाई करते हुए शराब की फैक्ट्री जो गतिविधियाँ संदिग्ध उन पर पर्दाफाश किया है। अब तक की तफ्तीश में और फैक्ट्री में जांच से सामने आया कि उस फैक्ट्री में देसी शराब बनाने का लाइसेंस है, देसी शराब के लिए वो अधिकृत थी, लेकिन उस देसी शराब के लाइसेंस की आड़ में अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांडों का निर्माण कर रहे थे और इन ब्रांडों की सप्लाई जो है संगठित रूप से बिहार गुजरात जैसे राज्यों में जहाँ शराब बंद है वहाँ कर रहे थे,